जी तो अस्सलाम वालेकुम, अपना मरी में खुश आमदीद। इस वक्त मैं मरी माल रोड के ऊपर हूँ और माल रोड के ऊपर आज आपको दिखाता हूँ कि माल रोड की क्या मरी की क्या हिस्ट्री है, मरी को कैसे इसका नाम कैसे रखा गया, जो पिछले भी एक हरवी लॉग में मैंने आपको बताया था। तो माल रोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगी, मरी सिटी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी और साथ साथ आपको ये थोड़ा सा व्यू भी दिखाता हूँ। सामने माल रोड, सीधी अगर इसके ऊपर आप जाएंगे तो माल रोड और आगे जाके CMH जो चौक आएगा उससे आगे जो इसको कहेंगे पिंडी पॉइंट रोड, ये पिंडी पॉइंट की तरफ निकल जाएगी। इस तरह अगर इधर मेरे लेफ्ट के ऊपर आप देखें कि ऊपर से नीचे इधर से गाड़ियां आ रही हैं, आगे चौक आता है, चौक से अगर आप लेफ्ट की तरफ ऊपर जाएंगे तो आप कश्मीर पॉइंट की तरफ चले जाएंगे और अगर इसी रोड के ऊपर सीधे चले जाएंगे तो आप जिका गली की तरफ निकल जाएंगे। और ये सामने जो मेरी बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग बेसिकली लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग है, बाहर से इसकी फिनिशिंग इस तरह से की गई है कि जिससे आपको लग रहा है कि पत्थर से छत कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन ये बिल्डिंग लकड़ी से बनी हुई है। मरी शहर जो है इसकी बुनियाद सर हेनरी लॉरेंस ने सन 1850 में रखी थी, 1850 से 1853 तक, 53 तक इस शहर की जो है वो बुनियाद रखी गई, कंस्ट्रक्शन की गई इसकी। और फिर 1850 से 1875 तक ये पंजाब जो हमारा प्रोविंस है इसका, पंजाब यानी इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब दोनों का ये जो है समर कैपिटल भी रहा है। और माड़ी MARI माड़ी से इसके जो नाम का जो स्पेलिंग निकले थे वो माड़ी से शुरू हुए थे और बाद में फिर 1875 में जब ये शिमला ट्रांसफ़र किया गया इसको कैपिटल को तो इसके स्पेलिंग भी चेंज हुए और MURRE स्पेलिंग हो गए थे इसके। इस सामने जो है ये मरी पुरानी कचहरी होती थी, अभी तो पार्किंग है और यहाँ पे जो है पटवार खाना वगैरह को ट्रांसफ़र किया गया है। AC ऑफिस है सामने। इधर ये जो रोड जा रही है ये भी सीधी निकल जाएगी कश्मीर पॉइंट की तरफ, दोनों तरफ से मेरे पीछे जो रोड है वो ऊपर की तरफ जाएगी और कश्मीर पॉइंट पे जाके मिलेगी, और ये नीचे वाली रोड भी गोल फिरती है कश्मीर पॉइंट की तरफ ही चली जाएगी। सामने अभी बैंक है जो पुराना, इसको तार घर भी कहते थे। ये नीचे इधर गाड़ी जीप नीचे की तरफ उतर रही है, सिरोज स्ट्रीट है यहीं पे इसी चौक के अंदर, इसको पहले जिना चौक भी कहते थे, अब GPO चौक भी कहते हैं, बेसिकली हम जिना चौक के नाम से इसको जानते हैं। सिरोज स्ट्रीट के अंदर जो जितनी भी बिल्डिंग है क्योंकि हम उसमें जाते रहे तो सारी लकड़ी की कंस्ट्रक्शन है, और इसके जो पीछे जो साइकी है या जो पीछे इसके जो एक साइंस थी कि इस शहर को जो है वो लकड़ी के स्ट्रक्चर पर क्यों बनाना है, क्योंकि यूरोपियन स्टाइल पर बनाया गया था, अंग्रेज़ों ने इसकी बुनियाद रखी थी, उन्होंने बनाया था, तो उन्हें यहाँ पर ऐसा तर्ज माहौल चाहिए था जो कि यूरोप से मिलता जुलता हो, यूरोपियन स्टाइल पे हो। यूरोप में जिस तरह लकड़ी की कंस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ पर भी ये सारी लकड़ी की कंस्ट्रक्शन की गई है, एक उसी तरह का तर्ज माहौल बनाने की कोशिश की गई है। अब खैर जो अब बिल्डिंग्स बनती हैं हमारी के अंदर उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो उस तरह से होती है जिस तरह से हम यहाँ अपने मुल्क में करते हैं, सीमेंट सरिया बजरी रेत इन चीज़ों से होती है, लेकिन पुरानी कंस्ट्रक्शन जो थी मरी में हुई है। सामने जो बिल्डिंग्स हैं, सर्विस की शॉप है, सिरोज स्ट्रीट के अंदर जितनी बिल्डिंग है ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, ये लकड़ी की बिल्डिंग्स बनाई गई थी। सामने मेरे जो है ये GPO चौक है, पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, GPO चौक है, ये वही रोड है जो कि कश्मीर पॉइंट की तरफ जा रही है और सामने से जो ट्रैफिक आ रही है ये जीका गली से कश्मीर पॉइंट की तरफ से जो लोग नीचे उतर रहे हैं वो आ रहे हैं। सामने सिरोज स्ट्रीट है, वाले साहब मेरे जो है वो काफ़ी अर्सा तकरीबन 30-35 साल 35 से भी ज़्यादा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट करते रहे थे, नज़ीर रेस्टोरेंट के नाम से था, अब वो पंजाब रेस्टोरेंट है। यहाँ से तीसरी जो शॉप या जो एरिया आपको नज़र आ रहा है वो है, इधर इधर चले जाएं तो माल रोड का एक व्यू है, ये मरी माल रोड। अब यहाँ से अगर मजीद नीचे की तरफ जाऊँ, मैं GPO चौक से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, नीचे की तरफ जाऊँ तो इस वक्त ये बाटा चौक में हूँ,
वैसे तो हम इसे बाटा चौक कहते थे क्योंकि बाटा की शॉप यहाँ पे बड़ी मशहूर होती थी एक टाइम में, लेकिन अभी जो है इसको आजकल जो लोग इसको कहते हैं वो घड़ियाल चौक या घड़ी वाला चौक भी कहते हैं। सामने नज़र आ रहे हैं हमें चर्च है, ये सबसे पहले मरी में बना है, ये मरी की पहले पहचान था एक टाइम में और बड़ा क्लियर बड़ा विजिबल था बहुत दूर से। ये इस वक्त मैं हूँ फारहान होटल के सामने। फारहान होटल जो है ये सिविल हॉस्पिटल रोड जो कुलडन्ना की तरफ जा रही है उस पर वाक़ है, और अगर इस पर थोड़ा सा फारहान होटल से आगे आएँ या आपको THQ हॉस्पिटल जिसको हम सिविल हॉस्पिटल कहते हैं यहाँ पे लोकल वो आ गया है। ये कि हेल्थ केयरिंग यूनिट या हॉस्पिटल है जो कि तहसील के इस पूरी तहसील को ही टेक केयर करता है, सारे लोग इसी के अंदर आते हैं और काफ़ी रश काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर। और ये कुलडन्ना रोड के ऊपर वाक़ है, इस रोड के ऊपर अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो हम कुलडन्ना जो है वहाँ से जाके निकलेंगे, लेफ्ट पे हम पिंडी की तरफ चले जाएंगे और राइट फिर हम जीका गली की तरफ चले जाएंगे। ये सिविल हॉस्पिटल के सामने से जो नीचे की तरफ जो है जो व्यू है वो दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब रात को बारिश भी हुई है, अभी विजिबिलिटी पा रहा पहाड़ों को देख रहे हो कुछ मुझे भी नज़र नहीं आ रहा और कैमरे की आंख से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर नज़दीक जो चीज़ें करीब उनकी विजिबिलिटी है, फिर थोड़ा सा मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है। जी तो थैंक यू वेरी मच, अपना मरी को देखने का बहुत शुक्रिया, अपना अपने चाहने वालों का अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैनल पर रहिएगा, इसको अपने जान पहचान वाले लोगों में आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये इस वक्त मैं मराबा चौक से जो है वापस जा रहा हूँ और ऊपर जाने का व्यू जो है वो ये है, थोड़ा सा चलते हुए आपको दिखाता हूँ। सामने चर्च जो एक दौर में एक टाइम में पहचान थी मरी की साफ नज़र आ रहा है, ये सामने गाड़ी है जो पिंडी पॉइंट से लोगों को ला रही है और वापस लेके जा रही है, 30 रुपये चार्ज करती है ये। घूमते फिरते वापस मैं GPA चौक के करीब पहुंच आया हूं, सर्विस की शॉप जिस तरह आपको बताया, जो ये एरिया जितना भी है मेरे राइट पे इस वक्त जो है ये सारा पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लकड़ी से की गई कंस्ट्रक्शन है ताकि ज़मीन के ऊपर वज़न ना डले, लैंडस्लाइड का इशू ना हो। चलिए चलते चलते थोड़ा सा GPA चौक के नज़दीक चलते हैं, साथ आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मरी सिटी जो है या मरी तहसील जो है इसके अंदर टोटल 92 गांव हैं और 15 UCs हैं जो यूनियन काउंसिल्स हैं। ये 2017 की 18 की जो सेंसिस थी मरदमशुमारी थी उस तक का डाटा है, उसके बाद अगर इसमें कोई चेंज आई है तो उसके बाद आएगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई चेंज की है। GPA चौक जो है ना वो मरी की एक पहचान बना हुआ, माल रोड जिस तरह से एक पहचान था, माल रोड के ऊपर GPA चौक एक पहचान है। जिना चौक एक टाइम में इसका नाम जिना चौक था लेकिन अब ये GPA चौक है। चलिए करीब चलता हूँ और आपको थोड़ा सा और इसका बेहतर व्यू दिखाता हूँ। अब ये जो है ये मरहबा चौक जो है उसके पास में पहुंच आया हूँ, उस्मानिया रेस्टोरेंट है, आपकी कमर्शियल जगह होगी ये, रेड ऑनियन है सामने नज़र आ रहा है मुझे, ये तो ऐसी चेन्स हैं जो कि बड़ी चेन्स हैं, उस्मानिया रेस्टोरेंट रेड ऑनियन ये बड़ी जो फूड चेन्स हैं उसमें से हैं। सामने जो चौक नज़र आ रहा है वो मरहबा चौक है, इस वक्त जो मैं चर्च के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, ये ऊपर जो मेरे पीछे ये चर्च है ये दरख्तों के पीछे। ये इस वक्त तकरीबन मैं मरहबा चौक में ही खड़ा हूँ, अब तो खैर बहुत हालात चेंज हो गए, दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊँ तो मरहबा चौक
आपके सामने है, ये पिंडी पॉइंट के लिए केबल कार टाइप चीज़ लाई है जो 30 रुपये में यहाँ से आपको पिंडी पॉइंट जो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर शायद हो वो वहाँ तक ले जाएगी आपको।